नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल बिग अनबॉक्सिंग के अंदर। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। सो गाइस, आज मैं आपके लिए ले आया हूं बॉश कंपनी का 358 लीटर का कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर। सो गाइस, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट के प्राइस रेंज के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में और प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो आइए अब हम इस प्रोडक्ट को करीब से देखते हैं। सो गाइज, ये आप 358 लीटर के रेफ्रिजरेटर का फ्रंट लुक देख रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का जो है सिल्वर कलर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रीमियम जो कलर की क्वालिटी है। एंड जो फ्रीजर के डोर पे आप सबसे पहले डिस्प्ले देख रहे हैं, ये टच डिस्प्ले है। उसके बाद जो फ्रिज का डोर है, वाटर आउटलेट का यहाँ पे ऑप्शन है, कूल वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी इसके बारे में हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। और डोर्स को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको हैंडल की फैसिलिटी भी मिल रही है। सो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीजर का डोर, यहाँ हैंडल आपको दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ छोटी सी स्क्रीन है, टच स्क्रीन है ये। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि कन्वर्ट फ्रीजर। सो फ्रीजर फ्रिज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं या जो मेंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो जो आपका जो रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर है वो फ्रिज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे और यहाँ एक प्रेस से जो आपका फ्रीजर है वो फ्रिज के अंदर कन्वर्ट होगा। और फिर यहाँ पे दो ऑप्शंस अलग अलग है। टेम्परेचर कंट्रोल के ऑप्शन है, कोल्ड से लेकर कोल्ड डेस्क तक ये जो टेम्परेचर जाता है। फ्रीजर का अलग ऑप्शन है, फ्रिज का अलग ऑप्शन है। दोनों के टेम्परेचर आप अलग अलग बाहर से ही कंट्रोल इजीली कर पाएंगे। और बॉश ने यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पर वेरियोनोवेटर ने भी अपनी ब्रांडिंग की है। इसके बाद राइट साइड में स्टार रेटिंग का स्टिकर है, 3 स्टार आपको इस रेफ्रिजरेटर के मिल जाएंगे। एंड इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है वो है 216 यूनिट पर ईयर का। एंड लेबल पीरियड आप देख रहे हैं 30 जून 2022, तो बिल्कुल ये जो लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर है। अप्लायंसेस में है, रेफ्रिजरेटर ब्रांड है बॉश, मॉडल एंड ईयर है CT C3 5S03DI2022। तो बिल्कुल ये जो लेटेस्ट मॉडल है, टाइप है फ्रॉस्ट फ्री, ग्रॉस वॉल्यूम है 358 लीटर 358 लीटर एंड स्टोरेज वॉल्यूम है 327 लीटर। एंड उसके जस्ट नीचे एक और स्टिकर है, 10 ईयर्स कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, जो 2 से 3 साल की पूरे ऑल ओवर रेफ्रिजरेटर की वारंटी कवर रहती है। एंड उसके बाद में जो सिर्फ मोटर की वारंटी कवर रहती है। एंड फिर वेरियोनोवेटर ने भी अपना स्टिकर लगाया हुआ है, वेरियोनोवेटर कंप्रेसर सेव्स अप टू 40% एनर्जी, तो आपकी जो बिजली की एक्स्ट्रा बचत होगी। एंड उसके बाद आपको कंपनी के टोल फ्री नंबर भी मिल रहे हैं। और जो फ्रिज का डोर है उसके ऊपर वाटर आउटलेट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कूल वाटर। अगर आपको ठंडा पानी चाहिए तो डायरेक्ट आप बाहर से लेंगे, आपको रेफ्रिजरेटर को ओपन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इस फंक्शन के बारे में हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो अंदर से देखते हैं फ्रीजर वाला पार्ट। टफन ग्लास की रैक है, ट्रांसपेरेंट टफन ग्लास है, बहुत ही मजबूत ये टफन ग्लास रहता है। ऊपर वाले सेक्शन में इजीली 4 से 5 जो आइस बॉक्स हैं वो आ जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। एंड नीचे की साइड लेफ्ट साइड में कंपनी की तरफ से आपको आइस बॉक्स मिल रहा है, इसके अंदर आप आइस क्यूब इजीली बना सकते हैं। एंड उसके जस्ट राइट साइड में आपको और स्टोरेज मिल रही है, यहाँ पे आपको सिर्फ फ्रोजन फूड, फ्रोजन मीट या फिर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ आइस बॉक्स अगर आपको रखने हैं तो आप इजीली यहाँ रखिए। और यहाँ राइट साइड में डोर की साइड में 2 सेक्शन और मिल रहे हैं, ये भी टफन ग्लास से बिल्ट इन है, ये भी काफी मजबूत है। यहाँ आप कोई भी फ्रोजन वेजिटेबल या फिर फ्रोजन फ्रूट, फ्रोजन आइटम, फ्रोजन लिक्विड चीज है, जो भी आपको यहाँ स्टोर करना है वो इजिली स्टोर हो जाएगा। तो अच्छी खासी कैपेसिटी यहाँ हमें फ्रीजर के अंदर मिलती है। और ये यहाँ पे चार्ट है टेम्परेचर सेटिंग रिकमेंडेशन का, तो यहाँ पर काफी सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पर सीजन दिया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको फ्रीजर या फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो कैसे कंट्रोल करना है। सो ये है गाइस फ्रिज वाला पार्ट। सबसे पहले ऊपर सेक्शन में मिल रहा है वीटा फ्रेश बेवरेज एंड मिल्क, तो यहाँ पर आप कुछ भी चीज, मिल्क या मिल्क से बना हुआ कोई भी स्टफ आप यहाँ पर स्टोर करें, उसके लिए अलग से सेक्शन मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। और अगर आप पीछे की साइड देखें तो मल्टी एयर फ्लो का ऑप्शन है, हर सेक्शन में आपको एयर फ्लो का ऑप्शन मिलेगा। एंड यहाँ पर फ्रेश सेंसर भी मिल रहे हैं, ये फंक्शन करते हैं कि अगर अलग अलग तरह का खाना इसके अंदर रखा हुआ है तो स्मेल को मिक्स नहीं होने देते, हर फूड में फ्रेशनेस बनाए रखते हैं। और यहाँ पर 3 टफन ग्लास की सेल्फ मिल जाएंगी जो बहुत ही मजबूत होती हैं, जो अच्छा खासा वेट लोड सहन कर लेती हैं और ये इजीली अलग अलग एडजस्टमेंट हाइट पर एडजस्ट हो जाएगी। और बिल्कुल नीचे की साइड सेक्शन है वीटा फ्रेश का, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का, तो ये काफी अच्छा खासा और बड़ा जो साइज है वो मिल रहा है वेजिटेबल एंड फ्रूट रैक का। एंड इसके ऊपर एक ऑप्शन है, अगर आपने इसके अंदर फ्रूट स्टोर कर रखे हैं तो इस ऑप्शन को आप फ्रूट की तरफ करें, अगर आपने वेजिटेबल स्टोर कर रखी है तो इस ऑप्शन को आप वेजिटेबल्स की तरफ करें। एंड इसके ऊपर टफन ग्लास लगा हुआ है, अगर आपको कोई आइटम स्टोर यहां करना है तो आप इजीली स्टोर कर पाएंगे। एंड जो वीटा फ्रेश जोन है काफी अच्छा खासा और बड़ा स्पेस आपको इसके अंदर मिल रहा है, तो आप काफी चीजें इसके अंदर भी स्टोर इजीली कर सकते हैं। एंड ये फ्रिज वाले पार्ट में ऊपर की साइड लाइट का भी ऑप्शन है, सो आप इजीली देख पाएंगे कि आपका कौन सा स्टफ, कौन सा खाने का सामान कहां रखा हुआ है। सो अब देखते हैं फ्रिज का डोर। सबसे पहले ऊपर की साइड आपको वाटर टैंक मिल रहा है, 2.5 लीटर का वाटर टैंक है, ये बिल्कुल सेंटर से ओपन होगा और यहाँ से पानी स्टोर होगा। एंड बाहर से आप सीधा पानी ले पाएंगे बिना रेफ्रिजरेटर को ओपन किए,
बिल्कुल आपको बिल्कुल चिल्ड एंड कूल वाटर मिलेगा। सो 2.5 लीटर बहुत ज्यादा तो नहीं, बट एक अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी है। एंड इसके जस्ट नीचे की साइड टफन ग्लास से बने हुए दो सेक्शन है, ऊपर वाला सेक्शन थोड़ा छोटा है, यहाँ पर आप छोटी चीजें स्टोर करें जैसे कि जार या ड्राई फ्रूट है वो यहाँ स्टोर होंगे। एंड नीचे वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर बड़ी 2 लीटर की बॉटल्स भी इजिली स्टोर हो जाएंगी। सो ये काफी अच्छा खासा और बड़ा स्पेस हमें इस बॉश के 358 लीटर के रेफ्रिजरेटर में मिलेगा। सो दोस्तों होप आपको इस प्रोडक्ट का जो वॉक अराउंड है, जो रिव्यू वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यार अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के प्राइस रेंज के बारे में। तो जो इस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज है वो है 47,000 रुपए से लेकर 47,500 रुपए के बीच में। जैसे मैं आपको हमेशा की तरह कहता हूं, अगर आपको ये प्रोडक्ट इससे महंगे में मिलता हो तो आपको बिल्कुल भी परचेज नहीं करना है, अगर आपको यही प्रोडक्ट इससे सस्ते में मिलता हो तो आप इसको एज ए ऑफर भी परचेज कर सकते हैं। सो अगर आपको इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल पर जा सकते हैं। अगर आपको ऑल ओवर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के रिलेटेड कैसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है, वहां जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बिलो भी कर सकते हैं। सो होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और बिग अनबॉक्सिंग पर ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।